हेलो स्टूडेंट, आज हम संतरे के साथ यानी ऑरेंज के साथ में एक प्रैक्टिकल करेंगे। ये देखेंगे कि ऑरेंज पानी में डूबता है या नहीं डूबता है। इसके लिए दो बीकर्स लेंगे। अगर आपके पास बीकर नहीं है तो आप इस तरह के प्लास्टिक के गिलास भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, जिस पर चाहें उस पर कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा थोड़ा दोनों में कम से कम आधा आधा भर के पानी लेंगे। ये सादा जल है, आप किसी नल से, टंकी से, जो यूज कर रहे हैं उसका ले सकते हैं। सिर्फ डिस्टिल वाटर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिस्टिल वाटर्स में जो उसके कण होते हैं वो थोड़ा सा भारी होते हैं और जिससे उसकी डेंसिटी बदल जाती है। अब हमने दो संतरे लिए हैं और हमने इसे दोनों को ही एक एक में डाल दिया है और देख रहे हैं कि दोनों संतरे इस समय तैर रहे हैं। आपको दोनों ही संतरे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसमें से किसी एक संतरे को छील लें, इसको हम इस तरह से इसका छिकल निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने ये छिकल निकाल लिया है। अब जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये डूब जा रहा है। देखिए डूब गया। तो ये डूबने का कारण क्या है? डूबने का कारण है इस छिकल का मोटा होना, और साथ में आप अगर सही से ध्यान देंगे तो इसके पीछे छोटे छोटे बायुकोष हैं। ये बायुकोष में हवा भरी है, जिस कारण हवा होने के कारण ये आपका संतरा बगैर छिकल वाला जो है वो डूब गया है और छिकल वाला अभी भी तैर रहा है। अगर यही प्रैक्टिकल्स हम इसमें करें, जो आपका गिलास हमने नहीं प्लास्टिक का ले रखा है, डिस्पोजेबल गिलास, उसमें भी ये ऐसा ही होगा। ये देखिए, ऐसे ही हम दूसरे में करते हैं तो इसमें ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि एपरेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे इस तरह का बीकर लीजिए, चाहे आप डिस्पोजेबल गिलास लीजिए, या आपके घर में जो कांच के गिलास हैं उनमें भी कर सकते हैं। अब यही प्रैक्टिकल्स अगर हम नींबू के साथ करते हैं तो क्या होता है, ये और देख लेते हैं। हमने उसी तरह से बीकर्स में पानी लिया है और बीकर में पानी लिया, लगभग बराबर ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हमने दो नींबू लिए हैं, एक में छिकल है और दूसरे में नहीं है। जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये दोनों ही डूब जाएंगे। दोनों डूब गए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि नींबू के जो छिकल होता है उसमें बायुकोष कम होते हैं और साथ में छिकल काफ़ी पतला होता है। यदि आपके अचार वाला नींबू है, चकोतरा है, या जो मौसमी है, या और कोई आपके नींबू मोटे छिकल वाला कोई फल है जो नींबू प्रजाति का हो, तो उसके साथ अगर करेंगे तो वो क्रिया में यही होगा कि छिकल वाला जो है वो तैर जाएगा और जो बगैर छिकल वाला है वो डूब जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद।